हेलो फ्रेंड्स, आज के समय परसेंटेज मैं इस प्रतिशत आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का पार्ट टू है। इसके पहले मैं इसका पार्ट वन आपको पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ बेसिक से बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, यानी क्या टॉपिक पढ़ेंगे, परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दो से तीन टाइप, यानी टोटल तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। परीक्षा से रिलेटेड तीन से चार टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैं आपको सभी टाइप आपको करके बताऊंगा, एक एक करके सभी टाइप बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप वन में देखा जाए, अभी के क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला टाइप वन में ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें हमसे ये कहा गया कि कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें 70% लड़के क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, पास हो गए, और 150 लड़के क्या हो गए, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हो गए। तो हमसे ये जानना चाह रहे कि एग्जाम में यानी परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। अगर हम लोग मान ले कि परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी रहे होंगे इनकी संख्या अपने आप पे 100% है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिटेल समझा दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग मान ले जो भी परीक्षार्थियों की संख्या रहेगी वो अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर इसमें से कितने पास हो जा रहे हैं, 70% क्या हो गए, पास हो गए। अगर इसमें 70% क्या हो गए, पास हो गए। अगर इसमें 70% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, आप इसको यहां से घटा लीजिए तो कितना फेल होंगे, 30% क्या होंगे, फेल होंगे। यानी परसेंटेज में कुल कितना फेल हुए, 30% फेल हुए। और उनकी संख्या पता है, संख्या में कुल कितने फेल हो जा रहे हैं, 150 फेल हो जा रहे हैं। तो कह सकते हैं परसेंटेज में इतना फेल है और संख्या में इतना फेल है, तो कह सकते हैं दोनों बराबर है क्या, आप यहां से इसको बराबर कर लीजिए, आप यहां से क्या करिए, आप बराबर कर लीजिए। अब देखिए 30% बराबर इतना है, अगर क्या कर दू इससे इसमें भाग दे दू तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 1% का मान पता चल जाएगा। ये पूरा क्या पता चला आपको, 1% का मान आपको पता चल जाएगा। तो पूछा कि परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, तो परीक्षा में जितने भी लड़के थे इनकी संख्या अपने आप 100% है। अगर ये 1% का मान है तो पूरी संख्या पता करने के इसमें क्या करें, 100 से गुणा कर दिए, इसको यहां से डिवाइड कर दिए, ये 5 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिया, कितना मिल जाएगा, ये 500 मिल गया। यानी आप बता सकते कि एग्जाम में कुल कितने लड़के थे, 500 लड़के थे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा के बताया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे अब आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग मान ले जो भी परीक्षार्थी रहेंगे उनकी संख्या अपने आप क्या 100% होगी, अगर उसमें 70% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, फेल कितना होंगे, 30% फेल होंगे, और संख्या में कुल कितना फेल हो रहे हैं, इतना फेल हो रहे हैं। तो कह सकते ये टोटल कितना, 30% है क्या, इसमें 30 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा के कितने अंकों की थी, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, ठीक है। अब इसमें ये पता है कि वो कितना अंक प्राप्त करा, इतना अंक प्राप्त करा, और परसेंटेज ये कितना है, इतना 72% के बराबर, अंकों में ये इतना पा रहा है और परसेंटेज कितने के बराबर है, इतने के बराबर। तो इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 54 में क्या करना, आपको 72 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करें, लेकिन 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, तो 9×6=54 हो गया और 9×8 कितना हो गया, 72 हो गया। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2×3=6 हो गया और ये 2×4 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में ये कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 25×3=75। यानी आप बता सकते कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 75 नंबर का हुआ था। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखिए जो 54 अंक है किसके बराबर है, 72% के बराबर है, तो इससे आप इसमें भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया, यानी कितना अंक पा रहा है, वो 22 अंक पा रहा है। 25 में से कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 22 अंक प्राप्त कर रहा है, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं मान लू कि हाई स्कूल की बात की जाए,
तो हाई स्कूल में टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? 600 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं मान लू 600 नंबर है, आपने कितना नंबर पा लिया? 360 नंबर प्राप्त किया। आपने कितना नंबर पाया? 360 नंबर प्राप्त किया। 600 में से कितना पाया? 360 नंबर प्राप्त किया। अगर आपसे ये पूछूं कि आपने परसेंटेज में कितना पाया, तो आप कैसे पता करेंगे? कैसे पता करते हैं लोग? अब टोटल हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल अंक है हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, और कितना आपने पाया उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। यही तो करते हैं, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते ही निकालते हैं कि आपने हाई स्कूल में कितना नंबर पाया। ये 00 से ये 00 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? 6×6=36, यानी 6.5 बार में कट गया। यानी कितना पाया उसने? 60% अंक पाया। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है, 25 अंक का टोटल कितने नंबर का पेपर है? 25 नंबर का पेपर हो रहा है। 25 में से कितना पा रहा है? ये 22 अंक पा रहा है। तो इसी को पूछे आपसे प्रतिशत में, तो करना क्या, आप यहां से कर लिए, 22 नंबर पा रहा है और टोटल कितना है ये 25 है, 25 आप नीचे के लिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिए, इसको यहां से डिवाइड कर दी, 4 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाएगा? 88%, यानी 88% प्राप्त किया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 4 देखाइए। अभी मैं आपको ये सब टाइप 1 में बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, यानी पेपर कितने नंबर का था? 450 नंबर का। उसने कितना अंक प्राप्त किया, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी पेपर इतने नंबर का हो रहा है और ये इसमें से कितना पा रही है? इतना पा रहे। तो इसी को पूछा आपसे परसेंट में कितना पा रहे, तो करना क्या आप इसका, इसका क्या करें, डायरेक्ट आप कितना निकाल लिए, 58% आप निकाल लिए। तो आप यहाँ पे लिखिए 450 का क्या करना आपको, 58% आप निकाल लिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितना परसेंट, कितना नंबर पाया। अब कि ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5×9=45 हो गया, और ये 5×2 कितना हो गया, 10 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 2×2=4 हो गया, और 2×9 कितना हो गया, 18 हो गया। इतना क्लियर है। अब करना है कि 9 का गुणा आपको किसमें करना है, 29 में गुणा करना है। अगर आप इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 261 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसने कितना नंबर पाया, 261 नंबर प्राप्त किया। यानी दीक्षा कितना नंबर प्राप्त करी है, 261 नंबर प्राप्त करी है 450 में से। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 261, तो बी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। इसमें क्या कहा गया, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय का अंक, प्रत्येक विषय का अंक कितना है, 100 है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कुल कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, और प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। तो इस तरह से कुल कितना नंबर हो गया, 600 नंबर का पेपर हो रहा है। कुल कितना नंबर का पेपर हो रहा है, 600 नंबर का पेपर हो रहा है। 600 में से कितना पा रही है, इतना पा रही, और इसी को क्या पूछा उसे, परसेंटेज पूछा। तो आप क्या करें, सेम हाई स्कूल की तरह सॉल्व करेंगे। तो टोटल पूरा टोटल नंबर आप क्या करिए, नीचे रखिए, यानी टोटल नंबर कितने कितने नंबर का पेपर आप इसको क्या करिए, नीचे रखिए, और कितना पाया इसमें, इतना है, तो आप वो इसको ऊपर कर लिए, और ये क्या करिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। ये 00 से इसका 00 कट गया, अब इसको आप यहां से डिवाइड कर दिए। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दें, 6×7 कितना आ गया, 42 हो गया। 6×7=42, और 5 इधर गया कितना हो गया, 50 हो गया। तो 6×8=48 हो गया, और बचा कितना, 2, तो 6×3=18, 6×3=18, इस तरह से आपको मिलता रहेगा। यानी उसने कितना प्राप्त किया, कितने परसेंट में, प्रतिशत में कितना अंक प्राप्त किया, इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 78.33, सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए अब टाइप 2 में देखा जाए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं मान लू कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, कोई परीक्षा हो रही है, आप यहाँ पे लिख लिए ये कोई एग्जाम हो रहा है। एग्जाम में पास होने के लिए मैं मान लू कितना कंडीशन रखी गई है कि आप पूरे पूर्णांक का क्या करेंगे, 40% अगर प्राप्त करेंगे, पूरे पूर्णांक का जो भी पेपर होगा अपने आप 100% होगा। अगर आप इसमें से 40% अंक प्राप्त करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यानी पास होने के लिए, पास होने के
लिए कितना चाहिए 40% प्राप्त करना है। इसमें हुआ क्या, जबकि एक विद्यार्थी क्या कर रहा, पूरे पूर्णांक का क्या कर रहा है, 20% अंक प्राप्त कर रहा, पूरे पूर्णांक का क्या कर रहा है, ये 20% अंक प्राप्त किया। आप यहां पे लिख लिए 20% अंक प्राप्त किया, और हम लोग मान लो कुछ नंबर से ये क्या हो गया, फेल हो गया, और हम लोग मान लो कि 60 अंकों से ये क्या हो गया, फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। आप यहां पे लिख फेल हो गया, तो जो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, ठीक है, पूर्णांक आपसे पूछा जाएगा। इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा, ठीक है, अगर मैं मान लो ये कोई एग्जाम हो रहा है, इसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम पूरे पूर्णांक अगर आप 40% अंक प्राप्त करेंगे आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, ऐसा पाया है कि एक स्टूडेंट क्या करा, पूरे पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त करा, पूरे पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किया, और 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पास होने के लिए इतना चाहिए, जबकि एक विद्यार्थी क्या करा, इतना ला रहा है, और इतने अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं इसे 60 अंक क्या कर दूं, दे दूं, अब ये क्या हो गया, पास हो गया। तो मुझे इसमें क्या करना है, इसको पास बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% अंक चाहिए। अब ये क्या करा, पूरे पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किया, पूरे पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किया। अगर मैं इसको 60 अंक दे दूं, इसको क्या कर दूं, 60 अंक दे दूं, अब ये क्या हो गया, पास हो गया। अब देखिए इसको 60 नंबर मैंने दे दिए, क्या हो गया, पास हो गया। अब ये पास होने के इतना चाहिए, और ये क्या हो गया, पास हो गया। अब ये भी पास है और ये भी पास है, तो यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, ये बात आपको क्लियर होगी। अब करना है क्या, आपको प्रतिशत प्रतिशत एक साइड करिए और अंक अंक क्या करिए, एक साइड करिए। तो इसको लाए आप इधर, अगर इसको आप इधर लाएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचा कितना यहां से 20%, और इधर आपको कितना बच गया, 60 बच गया, तो 20% बराबर कितना है, 60 अंक। तो करना है कि आपको इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे, ये पूरा क्या है आपका 1% का माना गया। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, ये पूरा क्या आ गया आपका 1% का माना गया। तो जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। जितने भी नंबर का पेपर रहा होगा अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कितना मिल जाएगा, 300। यानी आप बता सकते हैं कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 300 नंबर का हुआ था, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यही लाइन लिखना है, ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन को देखा जाए, से हम लोग क्या करें, यही लाइन लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन से देखा जाए, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% चाहिए, जबकि क्या करा कोई स्टूडेंट है, ये क्या करा पूरे पूर्णांक का 24% अंक प्राप्त किया, और इतने अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अब करना है कि इसको पास बनाना है, अगर इसको 9 अंक दे दो तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप यहां से कर लीजिए, पास लिख लीजिए, और यहाँ पे भी क्या करिए, पास लिखिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% चाहिए, और ये क्या करा पूरे पूर्णांक का 24% अंक प्राप्त करा और 9 अंकों से फेल हो गए। इससे मैं क्या कर दू, 9 अंक दे दिया, अब ये क्या हो गया, पास हो गया। ये भी पास है और ये भी पास, तो यहां से क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर है। अब करना है कि इसको आप इधर घटा लिए, परसेंटेज क्या करिए, इधर लाके घटा दिए, तो कितना बचेगा यहां से, 12% आपका बचेगा, और ये इधर कितना हो जाएगा, 9। 12% बराबर इतना है, तो करना है कि आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए। अगर आप भाग दें, ये पूरा क्या आएगा, 1% का माना गया। तो जितने भी नंबर का पेपर हुआ होगा वो अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये पूरा 1% का माना गया तो इसमें क्या करें, 100 से आप पूरा करें। देखिए 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया, और ये 3 4 12 हो गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दिए, कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाएगा आपको, 75 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 75 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 75 नंबर का हुआ था। तो
तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको साइड में कॉपी में लिख लीजिए। हमसे पूछा क्या पूर्णांक पूछे ना, तो पूर्णांक पूछे इसके लिए आपको सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आपको करना है क्या, जो अंकों का अंतर दिया गया है आप यहाँ पे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अपने कॉपी में आप लिख लीजिए अंकों का अंतर कर लीजिए, ठीक है। और नीचे क्या करिए आप, प्रतिशत का अंतर करिए। प्रतिशत का क्या करना है आपको, अंतर करना है। प्रतिशत का अंतर कर लिए और इंटू क्या करिए, प्रतिशत में करने के 100 से गुणा कर लिए। 100 से क्या करना है आपको, गुणा करना। इसमें रख के सॉल्व कर लिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करना है कि आपसे पूछा पूर्णांक पूछा है ना, तो अंकों का अंतर कितना दिया गया, 9। अंकों का अंतर कितना दिया गया, 9 दिया। आप यहाँ पे 9 रख लीजिए और प्रतिशत का अंतर करिए। इन दोनों का अंतर करें कितना मिलेगा अंतर, 12 का अंतर मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा, 12। और नीचे क्या हो गया आपका, आइए 100। अब इसका कैलकुलेशन करिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना मिलेगा आपको, 75 मिलेगा। कितना मिलेगा, 75 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 75 नंबर का हुआ था। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। आपको करना है कि अंकों का अंतर जो दिए आप यहाँ पे लिखिए और प्रतिशत का अंतर करिए, तो 12 का मिल जाएगा और इसमें 100 से गुणा करिए और इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे दोनों ट्रिक अच्छी है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है पेपर कितने नंबर का हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दोनों तरीका बताया, यानी दो तरीका आपको बताया, तो आप दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके फिर से बता दूं। सबसे पहले आप यहाँ पे पास लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करिए आप पास लिख लीजिए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 33% चाहिए। अब यहाँ पे क्या करा, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, पूरे पूर्णांक का 25% अंक प्राप्त कर रहा है और कितने अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं इसको 40 अंक दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास। मुझे करना है कि इसको क्या करना, पास बनाना है। अगर इसको 40 नंबर दे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। अब यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है। अब प्रतिशत प्रतिशत एक साइड कर लिए, इसको क्या करें आप इधर कर लिए, तो इसमें से ये घट जाएगा। अगर ये इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। कितना बच जाएगा, 8% बराबर कितना हो गया, यहां से 40 हो गया। अब करना है कि 8% बराबर इतना है, इससे क्या करें आप इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो ये पूरा क्या आ गया आपका, 1% का मान, ये पूरा क्या आ गया आपका, 1% का मान आ गया। तो जो भी परीक्षा हुआ वो अपने आप क्या होगा, 100% होगा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है 8 बच्चे 40 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कितना मिलेगा आपको, 500 मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 500 नंबर का हुआ था। ये इसका पहला तरीका है। और दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, तो इसका दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आपको करना है कि अंकों का अंतर करना। अंकों का अंतर कितना दिया गया, 40 का दिया है, तो आप यहाँ पे 40 आप लिखिए। अब नीचे क्या करना है आपको, प्रतिशत का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितने का मिलेगा, 8 का मिलेगा। प्रतिशत का अंतर कितने का मिलेगा, 8 का मिलेगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करिए आप, गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा, आंसर है कितना मिल जाएगा आपको, 500। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से कॉन्सेप्ट देखा जाए परीक्षा से रिलेटेड। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की वजह मैंने आपको क्या कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही दिखा दिया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा लाया। तो आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था, इसमें आपसे ये पूछा गया। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक, यानी आप कम से कम कितना नंबर पाएंगे तो पास होंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सेम हम लोग पीछे वाले एक तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक छात्र करके रहे पूरे पूर्णांक का 35% अंक प्राप्त करा और पास हो यानी क्या हो गया, प्राप्त किया और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और 20 अंकों से ये क्या हो गया, फेल हो गया।
अब मुझे करना है कि इसको पास बनाना है, इसको क्या करना, पास बनाना है। अगर इतना पा रहा है और इतने अंकों से फेल हो गया, अगर इसको 20 नंबर दे दे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। जबकि दूसरा छात्र क्या करा, पूरे पूर्णांक का 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक रखा गया उससे कितना नंबर ज्यादा ला रहा है, 20 नंबर ज्यादा ला रहा। अगर मैं क्या कर दूं, इसका 20 नंबर इससे छीन लूं या इसका 20 नंबर हटा दूं तो ये क्या रहेगा, सिर्फ पास रहेगा। कहने का मतलब ये कि इसमें क्या करना, कुछ सिर्फ पास बनाना। आप यहां से कर लिए, इसमें क्या करना, कुछ सिर्फ पास बनाना, ठीक है। पहला वाला क्या करा, पूरे पूर्णांक क्या करा, ये 35% अंक प्राप्त किया और कितने नंबर से ये फेल हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया। इसको 20 नंबर दे दो तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो गया। अभी क्या है, सिर्फ पास है। अब जबकि दूसरा छात्र क्या करा, पूरे पूर्णांक का क्या करा, 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक रखा गया उससे कितना नंबर ये ज्यादा ला दिया, 20 नंबर ज्यादा ले दिया। अगर मैं इसका क्या कर दू, 20 नंबर इससे हटा दू तो ये क्या रहेगा, सिर्फ पास रहेगा। 20 नंबर इसका क्या कर दू, हटा। अब ये क्या रहेगा, सिर्फ पास रहेगा। ये भी पास है और ये भी पास है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब प्रतिशत प्रतिशत क्या करना आपको, एक साइड के लिए, तो अब इसको इधर ले जाके घटा दिए, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5%। और ये दूसरे पक्ष में आया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ गया। तो कितना हो गया, ये 40 अंक, कितना हो गया, ये 40। अब करना है कि आपको इससे इसमें क्या करिए, भाग दीजिए। इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दीजिए। ये पूरा क्या आ गया आपका, 1% का माना गया। ये पूरा क्या आ गया आपका, 1% का माना गया। तो जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप में क्या रहा, 100% रहा होगा। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर रहेगा। तो 5 × 8 = 40 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर ले, कितना मिल जाएगा आपको, 800 मिले। कितना मिल जाएगा, 800 आपको मिले। यानी आप बता सकते कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 800 नंबर का हुआ था। आपका ये पहला आंसर आ गया, कितना आ गया, ये 800 नंबर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। अब ये देखिए क्या ये पास है, पूरे पूर्णांक का क्या करा, 35% अंक प्राप्त किया, इसमें 20 और जोड़ के हमको ये पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो पूर्णांक, पूर्णांक भी आपको पता है। आप इसका क्या करिए, पूरे पूर्णांक का क्या करिए, आप 800 कितना करिए, 800 है, इसका क्या करिए, 35% निकालिए। पूरे पूर्णांक का 35% निकालिए, बटा कितना हो गया, 100। और यहाँ पे क्या है, प्लस 20। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या जाए, सेकंड वाला आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 8×5 कितना हो गया, 40 हो गया, और 8×3 = 24, 24 का कितना हो गया, 28। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा आपको, 300 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 300 आपको मिले। यानी आप बता सकते हैं कि अगर आप क्या करेंगे, कम से कम कितना नंबर पाएंगे, 300 नंबर पाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, पास होंगे। यानी पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, 300 नंबर चाहिए। ये इसका सेकंड वाले का आंसर है, कितना नंबर चाहिए, कम से कम 300 नंबर चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता दिया। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ एक का ही आंसर पूछा जाए, ठीक है। एग्जाम में आपसे कोई या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस तरह के एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के एक या दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। और इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। जो ऊपर मैंने बताया आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड तरीका भी आपको बताऊंगा जो बहुत ही फास्ट है। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अंतिम हो गया, यानी फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज्यादा लाया। तो पूछा कि आपसे पूर्णांक यानी पेपर कितने नंबर का हुआ। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, करने के किसी तरह से इसमें क्या करना, आपको पास बनाना है। ये इसका पहला तरीका है, मैं आपको अभी सेकंड तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए क्या करा, पूरे पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त करा और इतने अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ये इतने अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर इसको 30 नंबर दे दो तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। करना क्या है, इसको पास बनाना है, इसको क्या करिए, आप 30 अंक दे दीजिए। जबकि दूसरा छात्र क्या करा, पूरे पूर्णांक का 32% अंक प्राप्त, 32% प्राप्त किया और पास होने के लिए जो भी अंक रखा गया न्यूनतम उससे इतना नंबर ज्यादा लाया। अब इसका नंबर क्या कर दो, इससे क्या कर दो, 42 नंबर इससे छीन लो या हटा दो, ये सिर्फ क्या रहेगा, पास रहेगा। इसका 42 नंबर इससे क्या कर दिए, छीन लीजिए। अब देखिए ये भी पास है और ये भी पास, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। प्रतिशत प्रतिशत आप एक साइड के लिए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचा कितना, ये 12%। और इसको इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 72, यानी 12% बराबर इतना है। तो करना है कि आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए।
अगर आप भाग दें ये पूरा क्या होगा 1% का मानक है, तो जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा। इसको यहां से डिवाइड कर लिए तो 12 6 कितना हो गया 72 आ गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर ले कितना मिल जाएगा 600 मिले, कितना मिल जाएगा 600 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं जो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, आपको आपसे पूछा क्या पूर्णांक पूछा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे पूर्णांक पूछा, तो आपको करना है कि अंकों का योग कर लीजिए। आप यहाँ पे कॉपी में लिख लीजिए अंकों का क्या करना, आपको योग करना है, अंकों का योग हो गया और नीचे क्या करना आपको प्रतिशत का डिफरेंट कर लीजिए, प्रतिशत का डिफरेंट कर लीजिए। ठीक है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप अंकों का योग करेंगे यानी अंक यही तो है, इन दोनों का योग कितना मिल जाए आपको 72 मिलेगा, कितना मिल जाए आपको 72 मिलेगा। अब नीचे क्या करना आपको प्रतिशत का डिफरेंट करना है, यानी इन दोनों का क्या करना आपको डिफरेंट करना है, प्रतिशत का क्या करना आपको डिफरेंट करना है, तो कितने का अंतर मिलेगा इन दोनों का अंतर करें कितने का मिलेगा आपको 12 का, और इंटू क्या करना आपको 100 से गुणा करिए। वही चीज है, देखिए यही चीज आपका सेम इसी तरह से आंसर भी आ सकता है। इसको यहां से डिवाइड के 12 6 72, अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए कितना मिल जाएगा 600। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये तरीका अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला अच्छा तरीका लग रहा है क्योंकि इसमें कम समय लगे। ठीक है, इसमें क्या लगे मुझे समय कम लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगला टाइप देखा जाए परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से देखा जाए परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप फोर में ये है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण का मतलब यहाँ पे क्या पास हुए। यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर आप यहाँ पे ले दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक, आप इसको मिलाकर लिख लीजिए, इसमें क्या पूछा है आपसे दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिये पेपर किस किस सब्जेक्ट का हो रहा है, हिंदी का हो रहा है और ये विज्ञान साइंस का हो रहा है। अगर इसमें कुछ पास हो रहे तो कुछ फेल भी तो होंगे, हिंदी में कुछ पास हो रहे तो कुछ फेल भी होंगे। आप यहां से लिख लीजिए, सबसे पहले पास लिख लीजिए और यहाँ पे आप क्या करिए फेल लिख लीजिए। अब देखिए पेपर किसका हो रहा है, ये हिंदी का हो रहा है और ये किसका हो रहा है, ये साइंस का हो रहा है, हिंदी का हो रहा है ये साइंस का हो रहा है। आप यहाँ पे कॉपी में लिख लीजिए। अब ये करना है कि हिंदी में 40% पास हो रहे हैं, 40% हिंदी में पास हुए, अगर 40% पास हो गए तो हिंदी का जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप क्या होगा 100% होगा, हिंदी का जो भी पेपर हो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। अगर इसमें से 40% पास हो गए तो फेल कितना होंगे 60% फेल होंगे, कितने परसेंट फेल होंगे 60% फेल। साइंस में कितने पास हो रहे हैं 80% पास हो गए, अगर साइंस में 80% पास हो गए तो इसमें फेल कितना होंगे 20% फेल होंगे, कितने प्रतिशत फेल होंगे 20% फेल होंगे। अब कि आपके क्वेश्चन में ये कहा गया कि दोनों मिलाकर 40% क्या हो गए फेल हो गए, अगर यहाँ पे आप फेल मिले दोनों फेल मिले देखिए कितना मिला आपको 80%, यहाँ पे दोनों फेल मिलाएंगे आपको कितना मिल जाएगा 80%, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा गया दोनों मिलाकर 40% फेल है, यहाँ पे देखिए 40% फेल है और यहाँ पे कितना मिला 80% फेल मिला है। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए कुल कितना फेल हो इसके लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि इस फेल को क्या करिए आप इस फेल में से घटा लीजिए, इस फेल को इस फेल में से आप घटाइए तो कितना मिल जाए आपको कितना मिल जाएगा ये 40%, कितना मिलेगा आपको 40% मिलेगा। यानी आपको ये पता चलिए शुद्ध रूप से कुल कितना फेल है 40% फेल है, तो पास कितना होंगे दोनों मिलाकर फिर से अगर दोनों सब्जेक्ट मिला दिए जाए तो दोनों मिलाकर अपने आप में 100% हो गया। अगर उसमें 40% पास हो गए 40% क्या हो गए फेल हो गए, 40% फेल हो गए तो पास कितना होंगे 60% पास हो गए, पास कितना होंगे 60% पास हो, यानी दोनों मिलाकर को कितना पास हो गए 60% पास हुए। आप यहाँ पे लिख दिए दोनों मिलाकर को कितने पास हो गए 60% पास हुए। ये इसका क्या गया आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है जो यहाँ पे फेल दिया गया आपको करना है कि इस फेल को इस फेल में से आपको घटाना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि शुद्ध रूप से कुल कितना फेल है 40% फेल है, तो दोनों सब्जेक्ट मिलाकर फिर से अपने आप में क्या होगा 100%, अगर उसमें 40% फेल है तो पास कितना होंगे 60% पास होंगे। यही आपका क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए।
क्वेश्चन में 11 देखा जाए, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछेगा, इस बार कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए पेपर किसका किसका हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है और ये गणित का हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लिए इंग्लिश लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करिए आप मैथ्स आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पास लिख लीजिए और यहाँ पे आप फेल लिख लीजिए, इतना क्लियर है। अब इंग्लिश में कितना पास हो रहे हैं, 60% अगर इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो इसमें फेल कितना होंगे, अगर 60% पास हो रहे हैं तो इंग्लिश में फेल कितना होंगे, 40% फेल होंगे। अब देखिए मैथ्स में कितना पास हो रहे हैं, 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितना होंगे, 30% फेल होंगे। आप यहाँ पे 30% आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन में ये कहा है दोनों मिलाकर कितना फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं। अगर यहां से दोनों फेल मिले तो कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 70%। यहाँ पे दोनों मिलाकर कितना फेल हो रहे हैं, 70% फेल हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, दोनों मिलाकर 20% फेल हो रहे हैं। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए कुल कितना फेल हुए, इस फेल को क्या करिए, इस फेल में से घटा लीजिए। अगर आप उस फेल को इस फेल में से घटाएंगे तो कितना मिल जाए आपको, 50% मिले। यानी आपको यह पता चल गया कि शुद्ध रूप से कुल कितना फेल है, 50% फेल है। अगर शुद्ध रूप से 50% फेल है तो पास कितना होंगे, तो पास कितना होंगे, 50% क्या होंगे, पास। दोनों मिलाकर 50% क्या होंगे, पास होंगे। ये चीज क्लियर हो कि नहीं, इतना क्लियर हो, कितने पास हुए कितने फेल हुए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, यानी 2500 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए, यानी आधा पास है आधा फेल है। अगर ये क्या पास हो के संख्या कितना है, 2500 क्या है, पास है, 2500 पास है। तो फेल कितना है, यानी आधा फेल है तो आधा क्या है, पास है। तो फेल वालों की संख्या भी कितना हो जाएगी, 2500। और पूछा है कि आपसे कुल संख्या पूछा है ना, करना कि आप इन दोनों को जोड़ लिया आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल जाएगा आपको, 5000 मिलेगा, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे पता है कि 2500 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए, और परसेंटेज कितना पास हो रहे हैं, 50%। यानी अगर आधा पास है तो आधा क्या फेल है, 2500 विद्यार्थी पास है तो 2500 क्या फेल है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करने के लिए आप इन दोनों क्या करिए, आप जोड़ लिए, कितना मिल जाएगा आपको, 5000 आपको मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, चार विषयों में से 3 विषय में से इतने इतने अंक मिले। अगर हम लोग मान लें कि माना प्रत्येक सब्जेक्ट कितने 100 नंबर का रहा हो, आप अपने कॉपी में लिख लिए कि माना प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर रहा हो, 100 नंबर का पेपर रहा होगा। तो इस तरह से कुल कितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, तो टोटल कुल कितना नंबर हो जाएगा, ये 400 नंबर का पेपर हुआ। टोटल कुल कितना नंबर हो गया, ये 400 नंबर का पेपर हुआ, 400। अब इसमें क्या कहा गया, एक परीक्षा में कमल ने क्या करा, कमल कितना करा, ये 70% ला रहा है, यानी पूरे पूर्णांक का ये क्या करा, 70% अंक पा रहा है। करना क्या आपको, इसका 70% आप निकालिए। अगर आप इसका 70% निकालेंगे तो 24 को 28 कितना मिल जाएगा आपको, 280 में, कितना मिल जाएगा, 280 में। हमको ये पता चल गया कि चारों विषयों को कितना नंबर पा रहा है, इतना नंबर पा रहा है, चारों विषयों को इतना नंबर पा रहा है, जबकि हमको ये पता है कि 3 विषय में उसे इतना इतना नंबर मिला और चौथे में हमसे पूछा गया। इन तीनों को जोड़ करके इसमें से घटा लीजिए आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, इन तीनों जोड़े कितना मिल जाएगा, 208 मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 208। अब यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट का नंबर है, ये कितने सब्जेक्ट का नंबर है, 4 सब्जेक्ट का नंबर है, कितने सब्जेक्ट का नंबर है, ये 4 सब्जेक्ट का नंबर, और ये ऊपर कितने सब्जेक्ट का नंबर है, 3 सब्जेक्ट का नंबर है। तो चौथा सब्जेक्ट का नंबर कितना पाया, इसको पता करने के लिए आप इसको यहां से घटा लेंगे। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 अंक प्राप्त, कितना प्राप्त किया उसने, 72 अंक प्राप्त किया। और प्रत्येक सब्जेक्ट कितने 100 नंबर का है, तो 100 में से अगर आप 72 प्राप्त करेंगे तो आप इसको ऐसा भी तो सब कह सकते हैं, अगर आप 100 में से क्या करेंगे, 72 अंक प्राप्त करेंगे तो आप कह सकते हैं प्रतिशत में आपने कितना पाया, तो आप कह सकते हैं कि 72% अंक प्राप्त किया।
क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप परसेंटेज में कितना पाए तो आप क्या बताएंगे, 72% आपने अंक प्राप्त किए। अंक कहें तो भी अंक कितना 72 है, या परसेंटेज में तो आप कितना बताएंगे, 72% बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कुल कितने फेल हुए, यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल कितने फेल हुए, इसमें हमसे ये पूछे और प्रतिशत में हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 900 है। लड़कियों की संख्या 900 है तो इसमें कितना पास हो रहे हैं, कितना पास हो रहे हैं, 40% पास हो रहे हैं। अगर इसमें 40% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, 60% फेल। तो करने के आप इसका डायरेक्ट क्या करें, 60% आप निकाल लीजिए। अगर आप इसका डायरेक्ट 60% निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुल कितना लड़कियां फेल हुई, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो इसका 60% निकालेंगे कितना हो गया, 6 9 कितना हो गया, 54 हो गया। 6 9 कितना हो गया, 54, यानी 540 लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। 540 लड़कियां फेल हुई और लड़कों की संख्या कुल कितना है, आप यहाँ पे लिख लिए लड़के कितने हैं, ये 1100 है। अब इसमें ये कहा गया है कि 50% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। तो 50% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, 50% फेल हुए, यानी टोटल इनकी संख्या इतना है, इसमें से आधा क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसका क्या करिए, आप आधा कर लिए तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। या इसका 50% निकालिए या आप डायरेक्ट इसका कंसिडर कर लीजिए, आधा कर लिए। इसका 50% निकालिए या आप डायरेक्ट इसका क्या करिए, 50% इसका आधा कर लीजिए। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट आधा कर लीजिए तो इतना मिल जाएगा, यानी इतना फेल हुआ। अब करना है कि लड़कियां इतना फेल हो रही है और लड़के इतना फेल, तो इन दोनों को जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 1090 मिल गया, यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर को कितना फेल हो जा रहे हैं, 1090 फेल हो गए। कुल कितना फेल हो गए, 1090। और इसी को हमसे क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा, और इनकी संख्या पता है, इनकी संख्या कुल कितना ही है, 2000। और इसी को पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो करना है कि टोटल जो संख्या, आप इसको नीचे करिए, नीचे कर लिए, और कितने फेल हो रहे हैं आप इसको क्या करिए, ऊपर कर लिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। देखिए ये 00 से 00 कट गया और 10 से ये भी कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दिए, 2 5 10 हो गया और ये 2 4 8 हो गया, बचा कितना, 1 2 5 10। यानी ये बता सकते हैं कुल कितने लड़के लड़कियां मिलाकर फेल हो रहे हैं, 54.5% फेल हो गए। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 54.5, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और ये परसेंटेज का पार्ट 2 है, अभी मेरी परसेंटेज पे 4 से 5 वीडियो और आएगी। ठीक है, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज पे अभी 4 से 5 वीडियो और आएगी। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर पीडीएफ फाइल चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है।